आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। एक मेंबर अगर 5 सदस्यों को भी जोड़े तो जाहिर सी बात है इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। जिस तरीके से हम आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी से कार्य करते हैं, हम भी अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, इस पे अधिक से अधिक व्यू आए, लाइक आए, सब्सक्राइबर बढ़े और ताकि हमारा भी मोटिवेशनल जो है बढ़ोतरी हो हमारे कॉन्फिडेंस में और हम भी उस चीज को इख्तियार करके हम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर सके पूरी ईमानदारी पूरी नैतिकता के साथ। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल और स्टेट सीटेट पेट आदि की तैयारी यदि आप सभी लोग कर रहे हैं यूजीसी वगैरह की, तो आप सभी लोगों को हमसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल कोई मार्केट में उपलब्ध नहीं करा सकता। मैं एक वानगी दिखाना चाहूंगा जो विद्यार्थी हैं, देखिए आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, इतने मैटर अभी पैक हैं, ठीक है, इन सभी लोगों का पार्सल तैयार हो चुका है, ये मैटर जाएंगे अभी। जो विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि सर अभी तक हमारा नोट्स हमें मिला नहीं, उन विद्यार्थियों के नोट्स आज भेजे गए थे, ठीक है ना, और लेकिन उनके एड्रेस में जो है कि कहीं पिन कोड गलत हो गया है कहीं कुछ, तो आप सभी लोग एड्रेस तो देते हो लेकिन उसमें कहीं जिले का नाम नहीं लिखोगे, कहीं अपने ही नाम नहीं लिखोगे, कभी पिन कोड गलत कर दोगे, है ना, एड्रेस ऐसे दोगे नाम सुष्मिता, पता पता में दोगे फलाना फलाना और जो मतलब ना तो उसमें पोस्ट का नाम रहेगा ना तो गांव का नाम रहेगा, डायरेक्ट लिखोगे थाना तहसील और जिले के भी नाम नहीं रहेगा, फिर पिन कोड, ऐसे एड्रेस में बताइए नोट्स कैसे सेंड किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब भी जो है हमें एड्रेस दें अपना, तो पूरा अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और मतलब अपने गार्जियन का नाम, केयर आप में कोई भी आप डाल दीजिए, डाटा आप सन ऑफ कुछ भी, ठीक है, जो आपके गार्जियंस हो या आप जहां आप मंगा रहे हैं वहां पे वो सारी चीजें, उसके बाद अपना गांव या मोहल्ला या जो भी कस्बा सुबह हो कुछ भी, है ना, मकान संख्या मकान नंबर यदि हो तो, उसके बाद पोस्ट, फिर तहसील, फिर जिला, जिले का नाम अवश्य डालिए, तहसील का नाम अवश्य डालिए, थाना फाना ब्लॉक ऑफ मत लिखा करिए, उससे कोई मतलब होता नहीं है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पिन कोड और नीचे सब्जेक्ट का नाम। इससे क्या होता है कि मैटर की जो पैकेजिंग होती है वो जो सिस्टम में हमारे अपडेट किया जाता है, सिस्टम में जो एंट्री होती है वो कर्मचारियों को करने में थोड़ी सी आसानी होती थी, इस बात का ख्याल रखिए। 97 41 13 85 पर आप भी अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। आपका कंपटीशन हमारे दिए गए नोट्स के वाले विद्यार्थियों से होने चल रहा है, तो आप सभी लोग कंपटीशन में जो है, अगर अभी आप 25 तक तो पहुंचे हैं तो हमारे नोट्स से पढ़ने वाला विद्यार्थी आपसे 75% आगे है, समझ रहे ना। बेहतरीन स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों को एक वानगी में दिखा चुका हूं, देख सकते हैं आप, लगभग 60-70 की संख्या में पूरी पैकेजिंग है और पूरे पैकेट तैयार हो चुके हैं, तो अभी और पैकेजिंग मतलब जारी है और ये सारी चीजें जो है मतलब पैकेजिंग चल रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि पढ़ें, ताकि आप सभी लोगों को भी कंपटीशन कंपटीशन लगे और आप सभी लोगों को भी बेहतरीन ढंग से जो है मतलब मैटर मिले, ताकि आप सभी लोग भी सफलता अर्जित कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको 85% से लेकर के 93% क्वेश्चन की गारंटी के साथ नोट्स उपलब्ध कराता है और हमारे पास दोनों मीडियम में मतलब इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में सुपर टेट के मामले, चाहे मतलब सुपर टेट का नोट्स हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो, सभी चीजें जो है हमारे पास उपलब्ध हैं। आप चाहें तो 97 41 13 85 पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। 85% से कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और 93% क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मतलब आप सभी लोग इतने के दायरे में रहेंगे और कंपटीशन इसीलिए थोड़ा सा टफ होगा आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट। लोक सेवा आयोग से इम्पोर्टेंट जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि आज मैं स्वयं लोक सेवा आयोग उपस्थित हुआ, जब से मैंने ये चीजें देखी हैं और सुनी हैं
कि अध्याचन आदि वापस किया गया, तो आज अध्यक्ष महोदय से हमारे मुलाकात का समय था और अध्यक्ष महोदय से मिल करके जो है मतलब सारी चीजें स्पष्ट करनी थी और उनसे मुलाकात भी हुई। 12 मिनट का उनसे मुलाकात का दौर था, तो उनसे सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए टाइम स्लॉट जो निर्धारित किया गया था लोक सेवा आयोग के माध्यम से, वो सितंबर माह था, मतलब सितंबर माह में आपके पेपर कराने का प्रोग्राम रखा गया था कि सितंबर माह में पेपर कराया जाएगा। और जब मैंने उनसे अध्याचन आदि को रिटर्न करने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि अध्याचन मैंने केवल एक विषय का वापस किया है, वो है कला। कला विषय के अध्याचन को हमने वापस किया है क्योंकि उसकी अर्हता अभी तक निर्धारित ही नहीं कर पाए, और जब तक शासन इसे निर्धारित नहीं करेगा, यूजीसी इसे निर्धारित नहीं करेगा, तब तक हम विज्ञापन कैसे जारी करें, या तो कला विषय को हटा करके विज्ञापन जारी कर दें। तो कला विषय के भी लगभग अध्याचन मतलब पर्याप्त अध्याचन आए हैं, और जिस तरीके की पदों की संख्या है 1000 के ऊपर पद है उसमें, तो कला विषय को छोड़ करके तो आवेदन नहीं हो सकता है ना। इसीलिए शासन को फाइनल रिमाइंडर भेजा गया है, उन्होंने पत्र भी वो दिखाया जो शासन को उन्होंने लिखा है कि कला की अर्हता से और जो समकक्ष से संबंधित जितनी भी डिग्रियां आती हैं समस्त विषयों में, उन समस्त डिग्रियों को उल्लेख करते हुए हमें आप अपडेटेड अध्याचन प्रस्तुत करें। शिक्षा निदेशालय को भी उन्होंने टैग किया है इसमें कि आप सभी हमें अपडेटेड अध्याचन सौंपें, ताकि जो भी नए पद आए हैं, जो नए विद्यालय सृजित हुए हैं, जिनके रिटायरमेंट के खाली हुए हैं अभी तक, ठीक है ना, 30 जून तक जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उसमें जो पद खाली हो रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रमोशन से जो पद खाली हुए हैं, चाहे प्रवक्ता के हो चाहे आपके जो है एलटी ग्रेड में हो, उन सभी पदों की जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाए, ताकि एक साथ ही सारे विज्ञापन को जारी किया जाए समस्त पदों पर। जब उनसे ये बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि सर 5560 जो विद्यालय हैं, जो सीटें पूर्ववत खाली थी पिछली वैकेंसी में, क्या उस पर एक्शन कोई जो मतलब लोक सेवा आयोग ने लिया, तो उन्होंने कहा इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, शासन ने इस पर मंजूरी दे दी है और 5560 आपके पदों को इस नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। और उनसे जब वेटिंग लिस्ट आदि के विषय में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक नया विज्ञापन जारी नहीं करेंगे तब तक वेटिंग लिस्ट के बारे में सोचना बेमानी है, अर्थात अभी आपकी वेटिंग लिस्ट 2018 एलटी ग्रेड की नहीं आएगी, ठीक है ना। और विज्ञापन के विषय में कार्य हो रहा है और शासन को रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर भेजा गया है, मतलब ये नहीं है कि आपके अध्याचन जो है वापस हुए हैं कला विषय के तो विज्ञापन आपका नहीं आएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन आएगा और शासन को थोड़ा सा तेजी पकड़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है, ताकि आप सभी लोगों के लिए जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो और हमारा भी जो जिम्मेदारी है, हमारी भी जो जिम्मेदारी है उसे हम पूरा कर सकें और 30 अक्टूबर के पहले पहले हम एग्जाम आदि करा सकें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में मैंने जब पूछा उनसे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कला के विद्यार्थियों की अर्हता जब तक निर्धारित नहीं होगी तब तक कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी कैसे फैसले लिए जा सकते हैं, इसके लिए शासन को बार बार पत्र भेजा गया। और आज मैंने व्यक्तिगत तौर पर शासन को पत्र लिखा है कि कला की अर्हता को निर्धारित किया जाए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आदि के लिए, ताकि कला 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसले लिए जा सके। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। जो हमारे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी हैं, जो काफी दिन से बेचारे चयन तो होने के बावजूद भी नियुक्ति आदि के संबंध में परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको नोट्स आज बुक करने हैं 97141385 पर 85% से लेकर के 93% तक के प्रश्नों की गारंटी, प्रतिशत में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इतने प्रश्नों की गारंटी आपको मिलेगी हमारे नोट्स से, आप इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। आगे बढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, आज सचिव महोदय से मुलाकात हुई और उनसे इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि क्या जीव विज्ञान को इससे अलग किया जाएगा, तो उन्होंने कहा फाइनल आवेदन होने के बाद जीव विज्ञान को विज्ञान से अलग कर दिया जाएगा, अर्थात एकदम सेम कंडीशन है, मतलब जो बालक वर्ग में है, जो बालिका वर्ग में है, उनकी जो सेम कंडीशन है वही आएगी। और अपनी डिग्रियों का उल्लेख तो कर ही रहे, तो उनको जो है मतलब जीव विज्ञान की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अभी तक 108 पदों की जानकारी प्राप्त हुई है और अभी ये सीटें और बढ़ेंगी, ठीक है ना, ये सीटें तकरीबन 250 के ऊपर जाएंगी।
और जब उनसे 22,000 सीटों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये शासन का विषय है, शासन तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, शासन की ये जानकारी है और शासन जैसा ही दिशा निर्देश जारी करेगा। अगर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया कि इसी भर्ती में इस पद को जोड़ दिया जाए या मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जैसा कि आप जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, अगर ऐसा कोई आदेश वहां से आता है तो हम लोग इन सारे पदों को उसमें जोड़ देंगे। तो देखने वाली बात यह होगी, एक बार शासन से प्रयत्न करके देख लिया जाए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करते हैं और उनसे प्रयत्न करके देखेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके उनसे प्रयत्न करेंगे। यदि सीटें जुड़ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो एकमात्र जरिया है, है ना। लेकिन आप सभी लोगों की लड़ाई अब हमारे काम आई, मतलब हम आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए हैं और उसका पॉजिटिव परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी में 13,500 के ऊपर है। आप सभी लोगों को ये जान करके हैरानी और आश्चर्य होगा, साथ ही साथ खुशी भी होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग आराम से अपनी तैयारियां करिए, नोट्स आदि बुक करने हैं तो 97141385 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपर टेट के विषय में बात कर लें। सुपर टेट के लिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है और सुपर टेट के विषय में आज पीएनपी में सचिव महोदय के पास हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि हमने नए यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी जो है प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है और एससीईआरटी की भी जो सहमति है वो आपके 74,000 पदों को लेकर के है और कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सहमति बन चुकी है। तो आप सभी लोगों को 74,000 पदों पर सुपर टेट की वैकेंसी जुलाई लास्ट में देखने के लिए मिलेगी, उसके पहले नहीं, ठीक है ना। जुलाई लास्ट में आप सभी लोगों को इसकी प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी और विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हो जाएंगे कि जब तक सीटेट 2022 ना हो जाए, यूपी टेट 2022 ना हो जाए तब तक विज्ञापन ना आए। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपकी यूपी टेट और सीटेट जो 2022 का एग्जाम है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में होना है, तो इतने दिन तक ये वैकेंसी डिले हो ऐसा मुमकिन भी नहीं है और ऐसा हम भी नहीं चाहेंगे कि इतनी देर तक ये वैकेंसी डिले हो, ठीक है। और अगर ये वैकेंसी आती है तो आप सभी लोगों को हैरान या परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रयास ये किया जा रहा है कि यूपी टेट 2022 सीटेट 2022 हो जाए, उसके बाद ये विज्ञापन जारी हो। आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, सीटेट आप सभी लोगों का 10 जुलाई के भीतर जारी किया जाएगा उसका विज्ञापन, जो विज्ञापन वापस हुआ था, क्योंकि आप सभी लोगों की इस बार ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम देने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर को लेकर के, तो एडेड जूनियर में फैसले हो चुके हैं। एडेड जूनियर की प्रक्रिया जुलाई प्रथम सप्ताह में संभावित है कि स्टार्ट की जाएगी और आप सभी लोगों को जिला आवंटन सूची वो 9 से लेकर के 13 जुलाई के बीच में देखने के लिए मिल सकती है जिला आवंटन सूची इसकी, ठीक है। जो सहमति बन रही है, जो सचिवालय से खबर आ रही है, उसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इस विषय में जानकारी दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे बड़े मुद्दे पर कि एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कब तक और इसकी परीक्षाएं कब तक हो सकती है। तो आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन जारी करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारा विज्ञापन बन के बिल्कुल तैयार है एल्टीग्रेड का भी और जीआईसी प्रवक्ता का भी। लेकिन कला की अर्हता निर्धारित न हो पाने के कारण और कला की नियुक्तियां आदि न हो पाने के कारण ये मामला थोड़ा सा लटकता हुआ दिखा, इसलिए शासन को फाइनल रिमाइंडर भेजा गया है कि आप जल्दी से जल्दी हमें पत्र जारी करें और कार्मिक विभाग की सहमति भी मिल चुकी है। आप सभी लोगों को गुड न्यूज मैं देना चाहूंगा, अभी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, शासन अपनी कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी सौंप देगी और नए जो अपडेटेड अध्याचन है वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जल्दी ही लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाएंगे और वो फाइलें फिर से वापस आएंगी जो फाइलें लोक सेवा आयोग ने वापस कर दी थी शिक्षा निदेशालय को, ताकि हमारे कला के विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां आज मिल जाएं और आपका इंटीग्रेट और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए। एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, आज एज रिलैक्सेशन और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के विषय में जो है हमने अध्यक्ष महोदय से पूछा तो अध्यक्ष महोदय का यह कहना था कि पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थियों की बहुत समय से है और इसे लेकर के हमने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है, जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय की जो भी राय होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा उसे लोक सेवा आयोग मानेगा। एज रिलैक्सेशन के संबंध में उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन की बात
शासन ने कही है, लेकिन लोक सेवा आयोग 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में एलटी ग्रेड में जीएससी प्रवक्ता आदि में वो जो है प्रदान करेगा। तो आप सभी लोगों को परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ही पॉजिटिव चीजें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी पीजीटी के जिस तरीके से वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला, उसी तरीके से आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। हम शासन स्तर पर भी प्रयास करने चल रहे हैं ताकि कला की अर्हता जल्दी से जल्दी निर्धारित हो और हमारे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी जो 2018 के विद्यार्थी हैं वो भी नियुक्त हो जाए, उनको भी नियुक्तियां मिल जाए, आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आ जाए, साथ ही साथ अन्य विषयों की जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आदि भी जारी हो जाए। पेट का आवेदन आप सभी लोगों का कंफर्म हो गया है कि 16 जुलाई से जो है आरंभ करने की बात यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है, उसके बाद आप सभी लोगों को नई वैकेंसियां भी देखने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से मिलेंगी। अभी जो विद्यार्थी जो है पेट में डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है इस बार पेट में क्वालिफाई हो करके नई वैकेंसियों का सामना करने के लिए, इसलिए आप सभी लोग मजबूती से तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। आप सभी लोग पॉजिटिव रिजल्ट हमें देंगे तो हम आपके लिए पॉजिटिव तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। नोट्स आज बुक करने हैं 97 41 85 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।